डिजिटल मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 24 का वीडियो नंबर है 2। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर होना है 6। ठीक है, अब हम पिछली वीडियोस में जो है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ गए थे, अब मैं थोड़ा सा इस बार ट्रिकी क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। साइन थ्री ए अपॉन ई की वैल्यू फाइंड करना है। पहला ऑप्शन है 2k/k-1 एंड k बिलोंग्स टू r, एंड बी ऑप्शन है 2k/k-1 k इज बिलोंग्स टू 1/3 एंड 3, एंड सी ऑप्शन है 2k/k-1 एंड k इज नॉट बिलोंग टू 1/3 एंड 3, एंड डी है k-1/2k एंड k इज नॉट बिलोंग टू 1/3 एंड 3। ठीक है, तो इसमें हमको वैल्यू फाइंडिंग करना है कि क्या इसमें हो सकता है। ठीक, साइन थ्री ए अपॉन ए। अब बात आती है कि देखा जाए तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंथी है ही। टेन थ्री ए की क्वांटिटीज दिया हुआ है, टेन थ्री ए अपॉन टेन ए इक्वल टू के है। साइन थ्री ए अपॉन साइन ए की वैल्यू हमको फाइंडिंग करना है, तो इसमें से टेन की वैल्यू के टर्म में अगर फाइंडिंग कर लेते हैं और टेन थ्री ए अपॉन टेन ए हाँ इक्वल टू के दिया है। साइन थ्री ए अपॉन साइन ए होना चाहिए, और क्वेश्चन अगर चेक किया जाए तो साइन थ्री ए अपॉन साइन ए है। ठीक है, तो किसके इक्वल क्वांटिटीज आएगी? टेन थ्री ए का फॉर्मूला अगर लगाया जाए, टेन थ्री ए होता है 3 tan a - 10³ है, और टेन थ्री ए 3 tan a - 10³ है। टेन थ्री ए 3 tan a - 10³ है अपॉन 1 - 3 tan² है। इक्वल टू अपॉन नीचे टेन ए है, यहाँ का टेन ए तो मल्टीप्लाइंग में टेन ए आ जाएगा, अपॉन टेन ए है ये टेन ए, यहाँ में मल्टीप्लाइंग में ले लेंगे। नेक्स्ट लाइन मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाइंग में ले लिया। ठीक है, यहाँ वाला यहाँ मल्टीप्लाइंग में आएगा, इक्वल टू के चल रहा है। ऊपर से हम टेन ए को मैं निकाल सकते हैं, टेन ए को मैं निकाला 3 - 10² है, नीचे टेन ए है 1 - 3 tan² है इक्वल टू के, कैंसिल हो गया, अपॉन 1 ले लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 10² इक्वल टू 1 - k - 3k tan² है। ठीक है, तो फिर सबट्रैक्टिंग कर लेते हैं, यानी कि 3k tan² - 10² इक्वल टू के माइनस का 3, तो 10² कॉमन निकालेंगे, 3k - 1 इक्वल टू के माइनस का 3, तो 10² इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन 3k - 1। 10² इक्वल टू आ चुका है के माइनस 3 अपॉन 3k - 1। अब इस क्वांटिटीज को हमको साइन थ्री ए अपॉन साइन ए के टर्म में लेना है। अब बात ये भी आता है कि k की जो क्वांटिटीज़ है किस के रिलेशंस में हो सकती है, कौन से ऑप्शन में हो सकती है। अब k को चेक किया जाए तो क्योंकि टेन की जो क्वांटिटीज़ है, अगर k नॉट इक्वल टू 1/3, अगर 1/3 के इक्वल होगा k का मान तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नीचे 0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो टेन का फंक्शन ही ख़त्म हो जाता है। तो k नॉट इक्वल टू 1/3 के इक्वल तो होगा नहीं। दूसरा पॉइंट है, ऊपर वाला बचता है k-3, अगर k-3 इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो भी टेन जीरो हो जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 3 यानी k नॉट इक्वल टू 3 एंड नॉट इक्वल टू, तो एक तो ये तो हमको कंफर्म हो गया k नॉट बिलोंग्स टू 1/3 एंड 3, ये तो हमने आइडिया लगा लिया।
यानी ये होना या ये इनमें से होगा। अब बात आती है साइन थ्री अपॉन साइन ए की वैल्यू ये होगी या ये होगी, इनमें से कोई भी होगी, ठीक है, ये तो कन्फर्म हो चुका है, यानी ये दो ऑप्शन तो होने ही नहीं है, दो ऑप्शन से हम जान चुके हैं। अब टेन स्क्वायर से ये क्वांटिटीज़ कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा टेक्निकल तो है ये। साइन थ्री ए का फॉर्मूला थ्री साइन ए माइनस का फोर साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाता है, तो थ्री माइनस का क्या बचेगा, फोर साइन स्क्वायर है, थ्री माइनस का फोर साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइक्लिक से तो बेटर है, या वन माइनस कोस लिख दें तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास टेन है, थ्री माइनस का फोर अपॉन कोसक, कोसक स्क्वायर लिखें तो बेटर हो सकता है, क्योंकि कोसक स्क्वायर वन प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसक स्क्वायर होता है। तो अब मैं इधर ही पहुंचता हूं, क्योंकि टेन स्क्वायर ए इक्वल टू दिस क्वांटिटीज़ है, तो मैं टेन के टर्म में ही बनाऊंगा ताकि टेन से कुछ इसमें बन जाए। तो हमारे पास चल रहा है साइन थ्री ए अपॉन साइन ए इक्वल टू थ्री माइनस का फोर, कोसक स्क्वायर को लिखेंगे वन प्लस का कोट स्क्वायर है, एंड कोट को लिखेंगे वन अपॉन टेन यानी इसका उल्टा, तो थ्री माइनस का फोर अपॉन वन प्लस कोट को इसको लेंगे उल्टा, तो थ्री के माइनस वन अपॉन के माइनस का थ्री। सॉल्विंग कर लेंगे साइन थ्री अपॉन साइन ए की क्वांटिटीज़ इसको सॉल्व करेंगे, तो थ्री माइनस का फोर ये होगा के माइनस का थ्री प्लस का थ्री के माइनस वन एंड के माइनस थ्री, यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस का फोर के माइनस का थ्री अपॉन फोर के माइनस का फोर, यहाँ से कुछ फोर कॉमन लेके फोर कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्विंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा थ्री के माइनस का थ्री अपॉन के माइनस का वन, एलसीएम लेंगे के माइनस का वन थ्री के माइनस का वन माइनस का के प्लस थ्री, तो ये होगा थ्री के माइनस का थ्री माइनस का के प्लस थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया अपॉन के माइनस का वन, तो ऊपर से अगर हम के कॉमन निकालते हैं तो थ्री माइनस वन यानी कि टू के अपॉन के माइनस वन, टू के अपॉन के माइनस वन, तो टू के अपॉन के माइनस वन ये सी ऑप्शन आ रहा है। साइन थ्री ए अपॉन साइन इक्वल टू टू के अपॉन के माइनस वन एंड के नॉट बिलोंग टू वन अपॉन थ्री एंड थ्री, ठीक है। तो ये अगली जो सामने क्वांटिटी रखी है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा ही आंसर यहाँ भी मैच कर रहा हो सके, ये देखिए ये लगा दें, ठीक है। तो दो दो चीज़ें इस क्वेश्चन में चेक करनी थी तब जाके इसका सुटेबल आंसर दे सकते हैं। और नेक्स्ट है नंबर सेवन, ठीक है, तो सेवन नंबर टेक्निकल है ये भी काफ़ी, अगर सॉल्विंग करने की बात आती है तो देखिएगा, अगर वैसे आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा ही, मैं इसको थोड़ा सा ट्रिक बनाऊंगा, बन मैं इसका ई स्क्वायर दिया है, तो सेक थीटा प्लस टेन क्यू थीटा एंड कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंडिंग करना है। ए ऑप्शन है वन माइनस ई स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, एंड बी ऑप्शन है टू माइनस ई स्क्वायर की पावर वन बाई टू, एंड सी ऑप्शन है टू माइनस ई स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, टू माइनस ई स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। तो 98 जो नंबर है ये दिया है सेक थीटा प्लस का टेन क्यू थीटा एंड कोसेक थीटा, तो सेक थीटा हम कॉमन फाइंड कर सकते हैं यानी कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा का मान वन माइनस सी स्क्वायर है, तो मैं चाहूँगा सेक के टर्म में इसको वैल्यू कॉमन ले लें। सेक थीटा अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे टेन क्यू थीटा एंड ये कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा ये आ जाए, ठीक है, तो सेक थीटा है, फिर इसको सेक स्क्वायर थीटा या कुछ टर्म में कन्वर्टिंग करेंगे, ये हो गया सेक थीटा वन प्लस सेक को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि सेक हो जाएगा वन अपॉन कोस और ये वन अपॉन साइन, ये है टेन क्यू थीटा सेक वन अपॉन साइन थीटा एंड वन अपॉन कोस थीटा, यानी कोस ऊपर पहुँचेगा साइन नीचे पहुँचेगा, तो ये हो गया सेक थीटा एंड वन प्लस टेन क्यू थीटा एंड कोस थीटा बाई साइन थीटा, कोस थीटा बाई साइन थीटा यानी कि हो जाएगा टेन थीटा कोट थीटा या वन अपॉन टेन थीटा, तो यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर ही रह जाएगा सेक थीटा एंड वन प्लस का टेन स्क्वायर, वन प्लस का टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि टेन स्क्वायर हमारे पास है वन माइनस का ई स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा को लिखें वन प्लस अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड ये वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस सी स्क्वायर है, तो अंडर रूट वन प्लस वन माइनस सी स्क्वायर एंड वन प्लस वन माइनस ई स्क्वायर, तो टू माइनस ई स्क्वायर एंड अंडर रूट टू माइनस ई स्क्वायर, तो टू माइनस ई स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, तो आंसर हो जाएगा टू माइनस ई स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। और जनरली साइन कोस में कन्वर्टिंग कर लेते सारे फंक्शन की तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाती, क्योंकि टेन में दिया तो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके आसान हो गया थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, तो ये वो लेंथी क्वेश्चन है जिनको करते हुए घबराहट सी होती है कि ये इसका आंसर कैसे निकल पाएगा, पीजीटी एग्ज़ाम में आ गया या फिर केवीएस वगैरह में, जहाँ सॉल्यूशन की बात आती है तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाया करते हैं, ठीक है। और लेंथी क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय, तो ध्यान रखिएगा केवल जो सोल्ट वाले हैं, सोल्ट वाले नहीं हैं, सोल्ट वाले भी कराए गए हैं, ठीक है। जो सोल्ट हैं आसानी से आंसर निकल पाता है, ये दिया है बी साइन बीटा इक्वल टू ए साइन टू अल्फा प्लस बीटा, देन वैल्यू फाइंड करना है कोट अल्फा प्लस बीटा अपॉन कोस अल्फा, ठीक है, कोट अल्फा प्लस बीटा अपॉन कोट अल्फा, सॉरी इसका वैल्यू हमको फाइंडिंग करना है। तो बी साइन अल्फा अपॉन ए साइन टू अल्फा, इस तरह से क्वांटिटीज इसमें दिया हुआ है, तो अगर हम ये जो दिया है यानी कि b इससे इस वाले टर्म से ये वाली क्वांटिटीज हमको फाइंड करना है, तो थोड़ा सा टफ तो लग ही रहा है क्योंकि साइन में है और कोट में क्वांटिटीज लेना है। तो अगर हम इसको ले लेते हैं b अपॉन a इक्वल टू साइन टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा, तो b अपॉन a इक्वल टू साइन टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा, इस तरह से हम इसको चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अप्लाई कर लेंगे बाई सी डी रूल कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, या सी डी रूल कह सकते हैं। तो ये होगा b माइनस ए अपॉन बी प्लस ए इक्वल टू साइन टू अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन बीटा अपॉन साइन टू अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है, b माइनस ए अपॉन बी प्लस ए इक्वल टू साइन टू अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा अपॉन साइन टू अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा। तो इस तरह से हमने इसको चेंजिंग किया, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला इस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, सी माना इसको डी माना, साइन सी माइनस साइन डी होता है टू साइन सी माइनस डी बाई टू, टू अल्फा प्लस बीटा माइनस का बीटा अपॉन टू एंड कोस सी प्लस डी बाई टू, ऐसे यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू एंड कोस सी माइनस डी बाई टू, कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए इक्वल टू, तो टू साइन अल्फा एंड कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू साइन अल्फा प्लस का बीटा एंड कोस अल्फा, ठीक है, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा एंड ये अपॉन में आके कोट हो जाएगा और ये भी अपॉन में आके, ये तो कोट है ही है, कोट अल्फा प्लस बीटा और ये यहाँ पे कोट हो जाएगा, आ चुका है कोट अल्फा प्लस का बीटा अपॉन कोट अल्फा की क्वांटिटी बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, यानी आंसर आ गया बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, ठीक है, कोट अल्फा प्लस बीटा अपॉन कोट अल्फा, क्वेश्चन नंबर एट हो गया है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नाइन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया है इफ थीटा बिलोंग कर रहा है जीरो एंड पाई के बीच, थीटा लाई कर रहा है जीरो एंड पाई के बीच, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कोट थीटा बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस कोट थीटा, एंड बी ऑप्शन है कोट थीटा बाई टू वन प्लस का कोट थीटा, एंड सी ऑप्शन है कोट थीटा बाई टू लेस देन टू वन प्लस कोट थीटा, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन लाई कर सकती है, ठीक है, और कोट थीटा बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस कोट थीटा, यानी थीटा की वैल्यू जीरो एंड पाई के बीच से लाई कर रही है, तो कोट थीटा बाई टू की वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करेगी। अगर हम कोट थीटा बाई टू में एंड कोट थीटा में रिलेशन की बात करते हैं,
जैसे कोट थीटा बाई टू एंड कोट थीटा। तो इसमें मेरी एक रिलेशंस बन सकता है, कोट थीटा इक्वल टू होता है कोट स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन अपॉन टू कोट थीटा बाई टू। कोट का जो रिलेशंस है हम टेन थीटा बाई टू के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू होगा टू टेन थीटा बाई टू वन अपॉन सॉरी टू टेन थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो उससे टेन को कोट में कन्वर्टिंग करें तो ये कंडीशन बन जाएगा, यानी कोट थीटा का कोट थीटा बाई टू में एक रिलेशन ये बन जाता है। ठीक है, उसको फिर इक्वेशन फॉर्म में अगर लिया जाए तो कोट थीटा बाई टू सेपरेटिंग करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन फॉर्म में अगर लेते हैं तो सेपरेट कर लें और ये होगा टू कोट थीटा बाई टू और यानी कोट थीटा की इंक्लूडिंग में तो ज़रूर आ रहा है, स्क्वायरिंग फॉर्म में आएगा कोट थीटा इंक्लूडिंग रहेगा। तो स्क्वायरिंग फॉर्म में भी ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इसको इस तरह से बनाया जा सकता है कोट थीटा बाई टू माइनस वन माइनस कोट थीटा। मल्टीप्लाइंग ही करना पड़ेगा, बात नहीं मिलना है, कोट थीटा इंटू टू कोट थीटा बाई टू इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। तो कोट स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस टू कोट थीटा बाई टू एंड कोट थीटा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। कोट स्क्वायर थीटा बाई टू कोट स्क्वायर थीटा बाई टू ये इधर ले आते हैं माइनस का टू कोट थीटा बाई टू कोट थीटा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो कोट स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस कोट थीटा का हॉल ऑफ स्क्वायर अगर बनाना है तो यहाँ तक कोट स्क्वायर थीटा और होना चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस का कोट स्क्वायर थीटा माइनस का टू कोट थीटा बाई टू कोट थीटा और प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। उसको उधर ले जाएंगे, वन माइनस का कोट स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये हॉल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा कोट थीटा बाई टू माइनस कोट थीटा का हॉल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टम बनेगा, यानी कि थीटा लाई कर रहा है जीरो एंड फाइव के बीच, तो कोट थीटा बाई टू इस ग्रेटर टेन टू वन प्लस कोट थीटा है ना। अगर इसको वन माइनस कोट थीटा वन प्लस कोट थीटा के टर्म में चेंजिंग करेंगे तो ये जो क्वान्टिटीज है वन प्लस कोट थीटा से ज़्यादा ही आएगी, यानी कोट थीटा बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस कोट थीटा। तो थोड़ा सा यहाँ से आइडियाज लगाया जा सकता है, ये हो जाएगा वन माइनस का कोट थीटा एंड वन प्लस का कोट थीटा कोट थीटा। अगर इसका ये क्वांटिटी हटाते हैं तो प्लस माइनस के टर्म में आएगा, एंड कोट थीटा बाई टू की अगर केवल वैल्यू चाहिए तो ये इन क्वान्टिटीज में प्लस होगा जाके, तो ये क्वान्टिटी फिर भी ज़्यादा ही आएगी है ना। कोट थीटा बाई टू इज वन प्लस कोट थीटा से ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन बनाया जा सकता है, बाकी और कोई सा सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। टेन नाइन नंबर था, तो थोड़ा सा अगर और सोल्व करते तो और ज़्यादा लेंथी हो सकता था। टेन नंबर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये होगा फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस टू थीटा वाई लाइज इन इंटरवेल, यानी कि ये दिया है y का टू फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस टू थीटा। वाई का जो इंटरवल है इनमें से कौन सा होगा, ए ऑप्शन है माइनस वन एंड फाइव, बी ऑप्शन है माइनस वन फाइव एंड सी ऑप्शन है माइनस इनफाइनट माइनस वन जीरो फाइव एंड इनफाइनट एंड डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो ठीक है, तो इसमें से हमको ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा इसमें हो सकता है। तो y इक्वल टू है फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोश टू थीटा, फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोश टू थीटा। तो ये हो गया फोर साइन स्क्वायर थीटा कोश टू थीटा लिखेंगे बाद माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा, सॉल्विंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स
साइन स्क्वायर थीटा माइनस का वन, वाई इक्वल टू सिक्स साइन थीटा स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा लाई करता है जीरो एंड वन के बीच, साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम जीरो एंड वन के बीच लाई करेगा, ये जीरो एंड वन के बीच लाई करता है। तो अगर सिक्स साइन स्क्वायर की बात की जाए तो यहाँ पे सिक्स हो जाएगा, ओके सिक्स हो गया। अब बात आती है सिक्स साइन स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस माइनस वन भी कर देते हैं, सिक्स माइनस वन यानी फाइव हो जाएगा। तो सिक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन यानी कि जो वाई हो गया इसको हम वाई लिख सकते हैं, जीरो ग्रेटर एंड वाई इक्वल फाइव, यानी कि वाई लाई कर रहा है जीरो एंड फाइव के बीच। अब बात ये आती है कि जो फंक्शंस होगा, जो साइन का जो फंक्शंस होता है माइनस वन एंड प्लस वन के बीच लाई करता है। एक एक पॉइंट यहाँ पे करना भूल गए, यहाँ से माइनस वन किया है तो जीरो जीरो माइनस वन भी तो होगा, तो जीरो माइनस वन होगा यानी यहाँ भी माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन, यहाँ तीन हो जाएगा, तो ये होगा माइनस वन। तो वाई लाई कर रहा है माइनस वन एंड फाइव, माइनस वन एंड फाइव का कैसा इंटरवल होगा, क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा क्योंकि उसी के अलावा कुछ और हो नहीं पाएगा, तो बी माइनस वन एंड फाइव का क्लोज्ड इंटरवल होगा। ठीक है, अगर उसके आगे पीछे वैल्यू चल रही होती तो ये होता, और वैल्यूज ओपन हो सकती तो ओपन इंटरवल होता। ठीक, तो केवल माइनस वन एंड फाइव ही क्वांटिटीज आएगी, उसके अलावा कुछ और आएंगी नहीं, तो इसलिए इसका क्लोज इंटरवल होगा।